बाद में नैना अश्क न हो माना कल से होंगे हम दूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना अश्क न हो ये समझना मैं हूँ मजबूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो गिनूंगा मैं आके तुझे ख्वाबों में तेरे मिलूंगा मैं जब कभी हल्की हल्की बरखा आए जब कभी दिल भी यूं ही भर सा जाए हल्की हल्की बरखाए उस पर झोंका एक बन के आऊंगा मैं उस पर जुल्फे पल के दामन छू जाऊंगा अश्क न हो आंसू करते हमें कमजोर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो और कह रहे कि लोग यहाँ पे ये सभी लोग आए थे काफी तादाद में यहाँ पे लोग एकत्रित हुए थे कौशल जी की जो पार्थिव शरीर जो आया था उसमें देह संस्कार में आप मेरे पीछे ये भी देखिए कि यहाँ पर किस तरह से उनका पोस्टर लगाया गया है और पोस्टर लगाकर यहाँ पर सभी लोग अपने संवेदनशीलता के साथ आए हैं और सभी के दिल में सिर्फ एक ही आक्रोश है और एक ही बात है कि जितने भी आतंकवादी हैं उनका सर काट के यहाँ पे लेकर आए या जिस तरह से 42 जवान जो थे उनका उनके साथ जो नरसंहार किया गया है बहुत ही सभी लोग सोचने मजबूरी कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे बहुत से लोग ये कह रहे हैं जो गद्दार हैं गद्दारों को भी ये सजा वैसी मिली जो आतंकवादियों के लिए हो आइए हम यहाँ से लोगों से बात करना चाहते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं आपका नाम आप क्या कहना चाहते हैं मैं चाहता हूँ जो शहीद हुए हैं और पाकिस्तान से बदला लिया जाए सबको मार दिया जाए बस इंजन खत्म इनका भी कहना यही है कि पाकिस्तान से सिर्फ बदला लिया जाए पाकिस्तान के लिए जो नफरत की भावना है अब हिंदुस्तान के सभी लोगों के मन में हो गई क्योंकि इतनी उरी के बाद ये पे ऐसा हमला हुआ जिसे सभी पूरे देशवासियों को झकझोर के रख दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे भी आए हुए हैं सुबह से यहाँ पे बच्चे भी उपस्थित थे और यहाँ पे लोग काफ़ी तादाद में इकट्ठे थे और यहाँ पे हम बच्चों से भी हम पूछ लेते हैं एक बार कि वो क्या सोचते हैं आपका नाम उम्र क्या है अच्छा आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आतंकवादी के खिलाफ पाकिस्तान के लोगों को जिंदा आड़ के जला देना चाहिए उन्हें हमारे शहीद जवानों को मारा है उससे बदतर मौत देनी चाहिए उन लोगों को कि छोटे से बच्चे भी अब यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी है पाकिस्तान के लोग जो आतंकवादी हैं उनको जिंदा जला देना चाहिए यहाँ पे आप देख सकते अभी तो फिलहाल भीड़ कम हो गई है पर सुबह से यहाँ पर बहुत भीड़ थी यहाँ पे एक ही छतों पे लोग थे और अभी जो संस्कार हो चुका है उनके भाई के द्वारा और अभी हम थोड़ी देर में आपको ये भी दिखाएं बताना चाहिए कि यहाँ पे जो है सभी जगह बाजार है बंद कर दिया गया है कौशल जी के शहीद होने के बाद और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी काफ़ी लोग अभी यहाँ पे एकत्रित है
अभी इसके बाद हम आपको ले चलते हैं कौशल जी के परिवार से मिलने के लिए। इस वक्त हम कौशल जी के घर पे खड़े हुए हैं और भोपाल की जाते हैं। सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जो आसपास के जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, सभी लोग यहाँ पर कल से ही आए हैं। आज आया था, उसके बाद उनको दे संस्कार किया गया। ये संस्कार के बाद यहाँ पर सभी लोग दे सकते हैं, रो रहे हैं और ये सोचने की बात है कि उनके बाद ऐसा उम्र हुआ है पाकिस्तान के साथ एक दोस्ती का व्यवहार करना चाहिए या फिर से उन्हें माफ कर देना चाहिए या उनसे बदला लेना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान से बदला लेने के लिए अल्टीमेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है, छूट दे दी है कि अब जो भी हो आप कर सकते हैं। अब देखना यह है, आज बैठक भी है, 11 बजे बैठक थी कि सभी लोगों की आगे क्या प्लान करना है क्या। इसके बाद आज देखना यह है कि अब आने वाले समय में क्या भारत एक्शन लेता है। अपने पीछे देख सकते हैं कि उनकी जो धर्मपत्नी है वो इस हालत में नहीं है कि वो बात कर सके और अभी सोचने पे सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे थे। सभी लोग यही सोच रहे हैं कि अचानक से हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि 3 महीने पहले ही कौशल जी यहाँ पे आए थे और उनके बांग्लादेश से वहाँ पे था जो श्रीनगर में पोस्टिंग हुई थी और गए थे और सब कुछ मंगल था, अचानक ही हुआ जिससे कुछ पता चला। और सब लोगों की ये भी मांग है कि जो गद्दार हैं देश के उनको भी सजा दी जाए जिसने भी ऐसी घिनौनी हरकत का अंजाम दिया है। अभी हम और भी लोगों से बात करेंगे। इस वक्त हम कौशल जी के जो समझी लगते हैं उनसे हम बातचीत करना चाहते हैं कि किस तरह से उनका व्यवहार था, किस तरह से उनका जो व्यवहार था लोगों के औरों के साथ था, वही हम बात करते हैं। कैसा व्यवहार था कौशल जी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंतिम बार उनसे मुलाकात कब हुई थी? 6 महीने पहले। देश के प्रति उनका जो स्वभाव था इसके बारे में आप क्या देश? जैसा कि इन्होंने बताया कि वो देश के प्रति सिर्फ रूप से रहते थे और देशभक्त थे और उनका जो मिजाज था एकदम खुशनुमा मिजाज था। ऐसे ही हमारे देश में 44 जवान शहीद हुए हैं और सभी का परिवार होगा, सभी के किसी के लोग भाई लगते हो, किसी के पति लगते हो, किसी के बेटे लगते हो। इस पुलवामा में घटना के बाद सभी लोग सोचने पर मजबूर ये भी हैं कि कैसे उनसे बदला लिया जाए। इसी के साथ में लेती हूँ इजाजत, कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ मैं सोनी पांडे वहाँ पे बैठी हूँ। कौन नहीं लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।